Okay, so, जल्दी से बता दीजिए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड विद द सप्लाई चैप्टर यस एवरी वन क्या तुम तैयार हो जी जल्दी से बता दीजिए यस एब्सिल्यूटली ऑसम एब्सोल्युटली ऑसम awesome, तो आई होप दैट आप लोग बिल्कुल तैयार हो जी बिल्कुल 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 तैयार हो समझा वाड़ी सप्लाई को करने वाले हैं शुरू बहुत मजा आने वाला है जैसे कि कल हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर को एक ही लेक्चर में निपटा दिया था आज हम लोग एक ही लेक्चर में सप्लाई को भी निपटा देंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एकदम इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं आई यू रेडी एवरी चलिए सो गुड इवनिंग खुशी खंडेलवाल गुड इवनिंग कांशी सिंगल गुड इवनिंग भाविका मल्होत्रा गुड इवनिंग प्रणाम सभी को नमस्ते चैप्टर सो एवरीवन आर यू रेडी तो भाइयों और बहनों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोगों ने एमसीक्यू के सेशंस भी शुरू कर दिए है स्पेशल क्लास पर आप के एप्लीकेशन पर जा सकते हो अखिलेश डागा टाइप कर सकते हो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो सो so दैट कोई भी मेरे लेक्चर्स होते हैं फ्री लेक्चर्स होते हैं वो आप देख पाओगे वहां पर फ्री क्लासेस में चले गए मेरी प्रोफाइल में जाकर फ्री क्लासेस में अगर आप लोग चले जाते हो तो फ्री क्लासेस में रोज आज से रोज मैं स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ एमसीक्यू शुरू कर दिए हम लोगों ने मैक्रो के मैक्रो के मैं छोटे छोटे टारगेट्स देता हूँ वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे लेट मी टेल यू गाइस दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू जहां पर मैं माइक्रो मैक्रो एमसीक्यू सी रिविजन वन शॉर्ट रिविजन मैराथन एवरीथिंग मैं करवाने वाला हूं तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है चलिए जी तो शुरू करते हैं हम लोग यहां पर सप्लाई सप्लाई को शुरू करते हैं और यहां पर देखिए सप्लाई का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाता हूं कई बार कई बच्चे गलत फहमी होती है उन्हें वो क्या कहते हैं कि सप्लाई सर क्या होता है पता है आपको मैंने कहा क्या? सर सप्लाई इक्वल टू सेल यही सबसे बड़ी गलती होती है दट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल सप्लाई मतलब क्या होता है सप्लाई मतलब होता है ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल सप्लाई का मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल अवेलेबल फॉर फॉर सेल सेल तो सप्लाई का मतलब क्या है सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल सप्लाई मतलब ऑफर फॉर सेल सप्लाई मतलब अवेलेबल द क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ रिलेटिव प्राइस सॉरी एट अ रिलेटिव प्राइस एट अ रिलेटिव ठीक है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई इज ऑल्सो द फ्लो कॉन्सेप्ट सप्लाई इज ऑल्सो फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब एक दिन में कितना से लोग एक हफ्ते में कितना से लोग एक महीने में कितना से लोग वो डिफर कर सकता है हमेशा 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 ठीक है जी तो यहां पर आपको सिंपल एमसीक्यू बन जाते हैं कि सप्लाई माने सेल क्या नहीं सप्लाई मतलब ऑफर फॉर सेल या फिर अवेलेबल फॉर सेल इज द फ्लो कॉन्सेप्ट भी आपको सवाल आ सकता है तो बचावाड़ी ये एक बेसिक सी चीजें है जो आपको पता होनी चाहिए इस पर सवाल भी जनरली आ जाते हैं ठीक है तो ये तो हो गया बेसिक चीज सप्लाई के बारे में नाउ लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि होता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है जी लॉ ऑफ सप्लाई तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या कहता है तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है अदर थिंग्स बी कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट क्या है अदर थिंग्स बींग अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट तो यहां पर यह क्या कहता है वेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस the quantity supplied also increases. When the price of the goods decreases, the quantity supplied also decreases. तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो supply curve निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके से होता है यहां पर हमारी होगी प्राइस यहां पर हमारा होगा क्वांटिटी और जैसे ही मेरा प्राइस यहां पर इंक्रीज हो रहा है जैसे कि समझो मेरा प्राइस यहां पर फाइव है क्वांटिटी यहां पर अस से फोर है जैसे ही मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है अस से मेरा प्राइस यहां पर हो चुका है कितना है टेन यहां पर say, हो चुका है, है आठ तो वॉट इज दिस ओवर दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिट्वीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन ठीक है जी यहां पर मैं लिख सकता हूं देर इज अ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्फ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्फ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्फ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्फ ठीक है जी और यहां पर आप देख सकते हो ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप ये है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व और यहां पर देखिए ये क्या होगा जी तीसरा पॉइंट क्या आएगा देर इज अ पॉजिटिव स्लोप देर इज अ पॉजिटिव स्लोप देर इज अ पॉजिटिव स्लोप तो यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्ट रिलेशन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एंड पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एंड एंड यहां पर डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप इस पर आपको आ सकते हैं जी एमसीक्यू आप तैयार रहिएगा किसी भी प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हैं जैसे कि हमने कहा हम एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कर रहे हैं जहां पर हमने लॉ के बारे में समझा जहां पर हमने मीनिंग के बारे में समझा सप्लाई के ठीक है जी गॉट इट एवरी वन आई बात समझ ये जो ग्राफ है ग्राफ को याद रखिए यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं अदर थिंग्स को कॉन्स्टेंट कर दिया है अदर थिंग्स को कॉन्स्टेंट कर दिया है ठीक है समझ आई बात एवरी वन आर यू गेटिंग दिस खुशी खंडेलवाल समझ आ रहा है देन uh, कांशी सौम्या देन 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 भूमि दिप एंड uh, और कौन है भूमि निहारिका ऑल द पीपल ऑफ दर आर यू गेटिंग दिस गाइस चलिए ऑसम तो लॉ ऑफ सप्लाई भी हम लोगों ने देख लिया लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण ही हमारा सप्लाई चेंज होता है क्या द आंसर इज नो देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जो मेरी सप्लाई को चेंज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिटर्मिनट्स ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं जी डिटर्मिनट्स ऑफ सप्लाई डिटर्मिनट्स ऑफ सप्लाई तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है डिटमिन क्या होता है डिटर्मिनेंट्स मतलब अदर फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स मतलब अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स जो मेरी सप्लाई को चेंज करेंगे अदर फैक्टर्स जो मेरी सप्लाई को चेंज करेंगे सो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग पहला फैक्टर जो लेते हैं लेटस कंसिडर वी आर टेकिंग टेक्नोलॉजी मुझे बताओ अगर मेरी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है मैं अपवर्ड एरो मतलब क्या है अगर मेरी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है ठीक है तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? जब मेरी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, अच्छी होगी तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा जब भी मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा तो मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली अगर मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं ज्यादा सेल करूंगा या फिर ऑफर करूंगा सेल के लिए मतलब सप्लाई वुड बी मोर ये जो इंटरनल चीजें है ये तुमको तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन करना होगा कौन सा ये वाला आपको एग्जाम में आएगा कि टेक्नोलॉजी एकदम अच्छी हो चुकी है ना तो आपका समझो कॉस्ट कम हो चुका है तो आपका सप्लाई क्या होगा टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सप्लाई ज्यादा होगा कि कम होगा तो टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सप्लाई ज्यादा होगा वाई ज्यादा होगा, होगा तो ये दिमाग में कैलकुलेशन करने दिमाग में दिमाग में कैलकुलेशन करना है ठीक है अगर मैं कहता हूं क्या कहता हूं कि अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी एकदम वाह है एकदम खराब है एकदम फालतू है तो तुम्हारी अगर टेक्नोलॉजी एकदम खराब है वायाद है, फालतू है ठीक तो है तो टेक्नोलॉजी अगर खराब है तो अल्टीमेटली योर कॉस्ट विल गो अप व्हेन योर कॉस्ट गो योर प्रॉफिट माइट गो डाउन

So when the technology is good, the supply is more MCQ. When the technology is bad, supply is less. तो यहां पर ये MCQ के लिए आपको तैयार रहना है प्रैक्टिकल आपको फ्रेम कर कर पूछा जा सकता है MCQ. हमने इसको एकदम अच्छे से समझ लिया है इसको प्रैक्टिकल MCQ पूछेंगे कुछ तो बताएंगे कि भाविका की एक कंपनी थी जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा था तो लेकिन इसका असर हमारे सप्लाई पर क्या होगा बताइए इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ठीक है दूसरा फैक्टर हम यहां पर लेना चाहते हैं जो कि हमारा दूसरा फैक्टर है एक सेकेंड दूसरा फैक्टर है जी बताइए रॉ मटीरियल अगर मैं रॉ मटेरियल जो लेता हूं वह बहुत महंगा हो जाता है तो मेरा अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होगा बढ़ जाएगा अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट पर क्या असर हो जाएगा प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा सो so, अल्टीमेटली मेरा सप्लाई आई वुड बी विलिंग टू सप्लाई लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो ये वाले अगेन कैलकुलेशन अंदर ही अंदर मन में करने हैं दिमाग लगाना है तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो अपना ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है अगर हमारे रॉ मटेरियल के प्राइजेस कम हो जाते हैं अगर हमारे रॉ मटेरियल के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन माय कॉस्ट जो है इट विल गो डाउन एंड माई प्रॉफिट फॉर दैट रीजन विल गो अप आप so, अगर किसी भी केस में प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट आता है सेम टू सेम वही सप्लाई पर आता है देखो यहाँ पर प्रॉफिट ऊपर सप्लाई ऊपर प्रॉफिट नीचे सप्लाई नीचे प्रॉफिट नीचे सप्लाई नीचे प्रॉफिट ऊपर सप्लाई ऊपर प्रॉफिट एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है यह हमको समझ में आता है ठीक है प्रॉफिट एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है यह हमको कहीं ना कहीं पर समझ आ रहा है ठीक है जी गॉट इट एवरी वन आर यू गेटिंग दिस एवरी वन आई बात समझ ओके 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 चलिए सो 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 यहां पर हम तीसरा पॉइंट लेकर आ रहे हैं तीसरा पॉइंट आपके सामने लेट अस से दैट द गवर्नमेंट ने टैक्स को कर दिया है इंक्रीज तो जब भी हमारा टैक्स ऊपर जाता है भाई और बहनों तो हमारे जो मटेरियल है वो कॉस्टली हो जाएंगे हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कम हो जाएगा और जैसे ही हमारा प्रॉफिट कम होगा हमारा सप्लाई भी कम हो जाएगा जैसे ही गवर्नमेंट ने समझो जो गुड्स में बेचता हूं उसी गुड्स पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट उस केस में इंक्रीज हो जाएगा और हम सप्लाई भी ज्यादा करना पसंद करेंगे तो आपको यहां पर सवाल आएगा कि गवर्नमेंट ने अगर तुम्हारे प्रोडक्ट पर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया तो तुम्हारा सप्लाई जो है उस पर क्या असर होगा गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया तो तुम्हारा सप्लाई रिड्यूस होगा डिक्रीज होगा अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे प्रोडक्ट जो तुम बेच रहे हो उस पर टैक्सेस कम कर दिया तो तुम्हारा सप्लाई पर क्या असर होगा तो तुम्हारा सप्लाई इंक्रीज होगा ठीक है जी ठीक है जी समझ आ रही है बात यहां पर हम कहना चाहते हैं आपको गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे रहे हैं सब्सिडी नहीं बेटा सब्सिडी गवर्नमेंट अगर सब्सिडी ज्यादा देती है तो तुम्हारा कॉस्ट कम होगा तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा और अल्टीमेटली तुम्हारा सप्लाई भी ज्यादा होगा उस केस में yes. गवर्नमेंट अगर सब्सिडी कम देती है या रिड्यूस करती है पहले से कम तो आपका वहां पर प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और आप सप्लाई जो है पहले से आप लोग कम सप्लाई करना पसंद करोगे yes. तो अगेन ये जो चीज है ये आप मन में कैलकुलेट करोगे आपको सीधा सीधा सवाल आएगा गवर्नमेंट की सब्सिडी इंक्रीज हुई तो सप्लाई पे क्या असर है गवर्नमेंट की सब्सिडी रिड्यूस हुई तो सप्लाई पे क्या असर है तो आई होप यू दिस एंड एवरीथिंग किसी भी कोई भी सिचुएशन आने दो आपको देखना है आपको देखना है कि प्रॉफिट पे क्या असर हो रहा है और प्रॉफिट का असर आप जो देखोगे वही सेम टू तो सेम आपका सप्लाई पर जाएगा तो चाहे वो दूसरा कोई भी फैक्टर्स बता दे हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट से कंपेयर करने का और प्रॉफिट से कंपेयर कर अपने को आंसर सप्लाई का मिल जाएगा ओके अमेजिंग तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई भी देख लिया है जी हां डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी हम लोगों ने देख लिया है मूविंग फॉरवर्ड टू द चेंज अभी हम लोग देखने वाले हैं बदलाव तो चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू द प्राइस एंड चेंज ड्यू टू सप्लाई ड्यू टू द अदर फैक्टर्स तो यहां पर जो बदलाव हो रहा है अगर वो प्राइस के कारण है तो क्या है अगर यहां पर जो बदलाव हो रहा है वो 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 अदर फैक्टर्स के कारण है तो क्या होगा मैं समरी बना रहा हूं ध्यान देना अगर जो बदलाव है वो प्राइस के कारण अगर हो रहा है अगर जो बदलाव जो है वो प्राइस के कारण हो रहा है तो उसमें देर इज अ टू पॉसिबिलिटीज क्या है वो दो तो पॉसिबिलिटी एक बेटा एक तो पहले तो हम लोग करते हैं देर इज देर इज गोइंग टू बी वॉट देर इज गोइंग टू बी मूवमेंट इज गोइंग टू बी मूवमेंट और अगर अदर फैक्टर्स के कारण है तो 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 देर इज गोइंग टू बी द शिफ्ट तो शिफ्ट। अगर मूवमेंट है तो दो टाइप के मूवमेंट हो गए और शिफ्ट है तो दो टाइप के शिफ्ट हो गए तो अपवर्ड मूवमेंट होगा एक आपका क्या होगा अपवर्ड मूवमेंट और एक जो होगा वो होगा डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होगा डाउनवर्ड मूवमेंट और शिफ्ट अगर होगा तो दो टाइप के शिफ्ट हो गए वर्ड शिफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अगर वहां पर अपवर्ड मूवमेंट होता है भाइयों और बहनों तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या कहेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई अगर यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है भाई और बहनों तो हम लोग इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई अगर यहां पर राइटवर्ड right शिफ्ट होता है तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है तो इसको कहेंगे डिक्रीज़ इन सप्लाई भाइयों और बहनों बहुत सारे एमसीक्यू इस पर आ सकते हैं आपको देखना होगा प्राइस के कारण होता है तो मूवमेंट होता है या फिर शिफ्ट होता है इस पर एमसीक्यू अदर फैक्टर्स के कारण होता है तो मूवमेंट होता है या शिफ्ट होता है अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो एक्सटेंशन है कॉन्ट्रेक्शन है इंक्रीज या डिक्रीज अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट राइटवर्ड शिफ्ट क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज अगर डिक्रीज है तो अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट राइटवर्ड मूवमेंट की लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर इंक्रीज इन सप्लाई है तो अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट राइटवर्ड शिफ्ट की लेफ्टवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट अगर एक्सटेंशन है तो अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट राइटवर्ड शिफ्ट की लेफ्टवर्ड शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज ओ माई खॉर वॉट इज दिस दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग ब्रो दिस इज अमेजिंग राइट तो भाइयों और बहनों अगर तुम मेरी नजरों से देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नजर आएंगे तो यहां पर इस तरीके से हम यहाँ पर एक गाना गाएंगे आपके लिए ठीक है इंस्टीट्यूट को कह देना इतने सारे एमसीक्यूस है ना इतने सारे ओ ओम माइकॉक्स दिस इज अमेजिंग इस तरीके का रिविजन हो जाता है ना तो अलग ही लेवल का मजा आता है ठीक है एक गाना गाएंगे मेरे साथ सारे बच्चे ठीक है एक गाना गाएंगे तो इंस्टीट्यूट को आप कैसे संबोधित करोगे अगर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है तो आप इंस्टीट्यूट को कैसे संबोधित करोगे उसके लिए एक गाना है ठीक है क्या गाना है आने दो आने दो एमसीक्यू को आने दो कह दो आई सी ए आई को बाय 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 लव यू एमसीक्यू Love you अभी इसी का हम लोग एक और क्या बर्ड्स आई व्यू चार ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही पेज में जैसे ये पूरा की पूरा समरी बना है वैसे ही हम एक ही पेज में चार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे एंड एवरीथिंग वुड बी एवरी थिंग वुड बी डन है जी तो फाड़ी फटाफट फड़ से अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक कीजिए आपके दोस्त को कोई प्रॉब्लम आती रहेगी तो बोलिए उनको जाइए डाका से पढ़िए इकोनॉमिक्स और टेंशन काहे लेते हो ना टेंशन का है लेते हो ठीक है फैला दो इस लिंक को फैला दो बोल देना कि अगर तुम्हें अच्छे से इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस लाना है तो हमारे अक्की सर है हमारे अक्की भैया है वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ करवा देंगे ठीक है हमारे अक्की भैया है ना बोला अक्खी भैया है ठीक है जी और अब यहां पर देखिए हम चार ग्राफ्स आपके सामने निकालने वाले हैं जी सर ये क्या है सर ये सप्लाई कर हुए ये सप्लाई कर्फ है सप्लाई वन सप्लाई वन राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हाँ ओके 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 सर आप कॉन्फिडेंस आ रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच अब देखना चाहिए यहां पर ये हमारा प्राइस था यह हमारा क्वांटिटी सप्लाइड था ये मेरा नया प्राइस है यह मेरा नया क्वांटिटी सप्लाइड है न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी सप्लाइड ठीक है ये मेरा प्राइस है ये मेरा क्वांटिटी है यह मेरा न्यू प्राइस है यह मेरा न्यू क्वांटिटी है वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर क्या मेरा सप्लाई कर्व पहले वाले ग्राफ में सेम है हा लेकिन यहां पर हुआ क्या है सेम सप्लाई कर्व पर मैं अपवर्ड मूव कर रहा हूं अपवर्ड मूव कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा देर इज अपवर्ड मूवमेंट देर इज अपवर्ड मूवमेंट राइट एवरी वन तो हमने क्या देखा था जब भी अपवर्ड मूवमेंट होता है जब भी अपवर्ड मूवमेंट होता है तो क्या होता है एक्सटेंशन इन सप्लाई हम लोग कहते हैं या फिर एक्सपेंशन इन सप्लाई भी कह सकते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई एक्सटेंशन इन सप्लाई यहां पर क्या है जी अपवर्ड मूवमेंट यहां पर क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है क्या है ये डाउनवर्ड मूवमेंट है तो जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो क्या होता है जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो क्या होता है डाउनवर्ड मूवमेंट के समय पर कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई तो जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है देर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ठीक है और सर ये जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वहां पर जनरली हम लोग उसको क्या कहेंगे हम लोग उसको कहेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या कहते हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व बराबर ना क्योंकि मूवमेंट ही तो हो रहा है ना शिफ्ट थोड़ी ना हुआ है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ठीक है अब देखना यहां पर ये क्या हुआ है यहां पर तीसरे ग्राफ में तीसरे ग्राफ में क्या हुआ है तीसरे ग्राफ में क्या हुआ है देर इज अ राइट वर्ड शिफ्ट देर इज अ राइट वर्ड शिफ्ट तो जब भी राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे क्या कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई और यहां पर क्या हो रहा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है क्या हो रहा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई ठीक है जी ठीक है जी ये जो सारे हो रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ये खाली प्राइस के कारण होता है और ये जो नीचे के थ्री एंड फोर में हो रहा है ये अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है इसके कारण अदर फैक्टर्स के कारण ठीक है जी तो यहां पर ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट के ग्राफ है ये शिफ्ट के ग्राफ है नीचे के दो इसको हम लोग अदर फैक्टर्स के कारण होते हैं ये ऊपर का जो है वो मूवमेंट है मूवमेंट वो किसके कारण होता है प्राइस के कारण होता है प्राइस के कारण होता है ठीक है जी गॉट इट एवरी वन गॉट इट एवरी वन अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को पूरा के पूरा ग्राफ तुम्हारे दिमाग में पूरा लॉजिकली प्रिंटेड है लॉजिकली प्रिंटेड तो आप यहां पर इस ग्राफ को भी देखकर एमसीक्यू बता सकते हो राइट वर्ड शिफ्ट यहां पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट यहां पर ठीक है यस yes. गॉरिज एवरी वन आर यू गेटिंग दिस ये सारा के सारा यहां पर जो हुआ है ये प्राइस के कारण हुआ है ऊपर के दो ग्राफ्स और नीचे के जो दो ग्राफ है वो अदर फैक्टर्स के कारण हुआ है अब अदर फैक्टर्स मतलब क्या अदर फैक्टर्स मतलब निहारिका जी अदर फैक्टर्स मतलब ये जो अपन ने ऊपर देखा यह अदर फैक्टर्स है तो टेक्नोलॉजी अगर बेहतर हो गई है तो तुम्हारे सप्लाई कर्फ में राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा निहारिका जी बताइए तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है तो तुम्हारे सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट होगा इंक्रीज है ना तो राइटवर्ड शिफ्ट अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी खराब है तो तुम्हारा सप्लाई कर्फ कैसे होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा या फिर एक्सटेंशन होगा या फिर इंक्रीज होगा तो क्या होगा टेक्नोलॉजी खराब है अदर फैक्टर्स है 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 तो सप्लाई नीचे जाएगा मतलब क्या है? Decrease, मतलब क्या क्या डिक्रीज शिफ्ट शिफ्ट आर यू गेटिंग इट विस्वरूप दत्ता कहता है कि एग्जाम्पल है क्या कुछ लेट ज्वाइन होने का वही तो नतीजा होता है लेट ज्वाइन मत कीजिए मैं थक गया हूं बोल बोलकर जब तक तुम्हारे अंदर से वो नहीं आएगा कि मुझे टाइम पर क्लास में रहना है मुझे रेगुलर क्लास करनी है देखो जी ये मैंने पहले ही बताया था अदर फैक्टर्स यहां पर लिखा हुआ है पूरा की पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है द प्रॉब्लम यू इज कि आप आधी अधूरी पढ़ाई करते हो और फिर कहते हो कि हमको मार्क्स नहीं आते हैं बोल बोल कर थक गया कि रोज यहां पर रिविजन लेक्चर्स वो भी पूरा की पूरा स्केड्यूल्ड है यार इस चैनल पर अगर जाओगे तो देखोगे अगले दो लेक्चर्स भी मेरे स्केड्यूल्ड है कल प्रोडक्शन होने वाला है कल क्या प्रोडक्शन होगा शुरू क्या कर रहे हो ये देखो रॉ मटेरियल वो आपको पूछेंगे गवर्नमेंट का टैक्स अगर इंक्रीज हो जाता है तो सप्लाई में क्या होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट की राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड टैक्स अगर डिक्रीज हो जाता है तो सप्लाई क्या राइटवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट ठीक है तो बेटा आपको ये चीजों को समझना होगा रे ऐसे काहे करते हो भाई अदर फैक्टर्स जब मैं यहां पर लिखा हूं तो अदर फैक्टर्स यहाँ के और यहाँ के तो सेम हो गए ना रे अगर मैं यहां पर ये यह लिखता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अदर थिंग्स बिन कॉन्स्टेंट कर दिया है मतलब यहां पर कौन सा एक फैक्टर करेगा अफेक्ट ओनली एंड ओनली प्राइस अफेक्ट करेगा ना यहां पर ओनली एंड ओनली प्राइस करेगा ना yes. तो प्लीज एकदम अच्छे से देखिए प्लीज 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 आपसे एक दरख्वास्त है सभी बच्चों से कृपया रोज समय पर आइए बहुत फायदा होगा ये देखो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हो रहा है हमारा यहाँ पर ये देखिए पूरा एक पेज में पूरा चेंज कंप्लीट हो जाता है ये देखिए एक पेज में पूरा की पूरा यहाँ पर चार ग्राफ खत्म हो जाते हैं ये देखिए ऊपर यहां पर अदर यह फैक्टर सारा आ गया यहां पर देखिए पूरा की पूरा लॉ ऑफ सप्लाई आ गया यहाँ पर मीनिंग आ गया और क्या चाहिए भाई कल जो मैंने करवाया था अगर आपको देखना है ये देखो कल जो मैंने करवाया था आपको बताता हूं ये देखो एक्सीडेंट पॉइंट मैंने ये कल करवाए थे आपको परफेक्ट सब्सटीट्यूट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स सारा की सारा मैंने आपको देखना है आपको ये देखना ये देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे यहां पर देखिए कॉनवेक्स कब होता है Con कॉन्केव कब होता है स्ट्रेट लाइन कब होता है ये सारी आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज लिखवा कर दी है लिखवा लिखवा कर पूरा करवा रहा हूं भाई ये देखो ये देखो ये देखो अगर आप लोग नहीं आओगे ना भाई कुछ नहीं होगा फिर से आप थोड़े समय बाद आओगे सर रिवीजन कहां से करें, क्या करें, ये देखो भाई सारा रिलेशनशिप लिख दिया फॉर्मूला लिख दिया ग्राफ ड्रॉ कर दिया और क्या चाहिए भाई यहां से ही तो सारा आना है तो प्लीज अभी भी समय है अभी भी सुधर जाइए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा है ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रेगुलर रही है। बस यही आपसे कहना चाहते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे इलास्टिसिटी के पास Elasticity of supply। जब मैं बात कर रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मैं यहाँ पर पांच ग्राफ्स ड्रॉ करने वाला हूं मतलब हमारा कितना सप्लाई में बदलाव आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस के बारे में ही अपने को यहाँ पर बताया है और यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा वर्टिकल कर्व ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर ये हमारा फ्रॉम द ओरिजिन वाला कर ये हमारा फ्लैटर स्टीपर कर हमारा सप्लाई कर है ये भी हमारा सप्लाई कर वे ये भी हमारा सप्लाई वे ये भी सप्लाई वे, वे, वे और ये भी सप्लाई कर ठीक है जी ओके अब देखिए अब देखिए जब इसको हम कहते हैं वर्टिकल कर्व जब इसको हम कहते हैं वर्टिकल कर्व इसको हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व इसको हम कहते हैं फ्लैटर कर्व इसको हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं फ्रॉम द ओरिजिन सप्लाई कर फ्रॉम ओरिजिन ठीक है तो अब देखिए जब भी वर्टिकल कर्व होता है मतलब क्या है तुम्हारी प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए तुम्हारी प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए ठीक है समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं देखो ये प्राइस ये भी प्राइस और ये भी प्राइस लेकिन मेरा सप्लाई में कुछ बदलाव आया है क्या नहीं थोड़ा सा भी बदलाव आया है क्या नहीं तो अब देखना यहां पर क्या होगा इसको हम क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक क्या कहेंगे जी परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस परफेक्टली इलास्टिक ये जो है यहां पर सेम टू सेम बदलाव होता है सेम टू सेम समझो ये फाइव था और ये टेन था ये एक सेकंड ये भी अपन यूनिटरी करते हैं इसको यूनिटरी समझो ये सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है ये टेन है ये भी टेन है ठीक है तो यहां पर क्या है ये इसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक अब देखिए यहां पर ये मेरा प्राइस था और ये मेरा सप्लाई था मैंने प्राइस को थोड़ा सा ही चेंज किया है लेकिन मेरे सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आया है मेरे सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आया है जी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक क्या कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक रिलेटिवली इलास्टिक अब देखना यहां पर ये मेरा सप्लाई ये मेरा प्राइस था और ये मेरा क्वांटिटी है अब देखना यहां पर मेरे प्राइस में कितना ज्यादा चेंज है बहुत ज्यादा चेंज मेरे प्राइस में है बट बहुत कम छोटा सा थोड़ा सा सिर्फ मेरे क्वांटिटी सप्लाइड में तो इसको मैं क्या कहूंगा रिलेटिवली इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक तो आर यू गेटिंग दिस आर यू गेटिंग दिस तो अब हम यहां पर वैल्यूज को देखते हैं तो यहां पर वैल्यू रहेगी मेरी इक्वल टू जीरो यहां पर हॉरिजॉन्टल के पास रहेगी इंफिनिटी यहां पर मेरी वैल्यू रहेगी इक्वल टू वन यहां पर मेरा वैल्यू होगा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन और यहां पर मेरा वैल्यू होगा लेस देन वन और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं So, जब भी यहां पर जीरो वैल्यू है तो कर्व कैसे होगा एमसीक्यू वर्टिकल वर्टिकल कर्व है तो उसका क्या नाम होगा परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक की वैल्यू कितनी होगी जीरो किसी भी तरीके के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं हां जी तो यहां पर कितने एमसीक्यू हो गए अपने यहां पर बेटा कम से कम तीन एमसीक्यू तो घुमा फिरा पूछे जा सकते हैं हां जी फिर यहां पर देखना इन्फिनिटी अगर है तो इसका कर्व कैसे होगा हॉरिजॉन्टल कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व है तो कैसा होगा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक को क्या कौन सा कर्व होगा हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू क्या है ये है इसमें भी तीन एमसीक्यूज पॉसिबल है हां जी घुमा फिरा के तो कितने भी पूछ सकते हैं यहां पर देखिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो यूनिटरी इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक का वैल्यू वन वन है तो क्या होगा यूनिटरी इलास्टिक ठीक है किसी भी तरीके से वाई से वर्षा से वर्षा सवाल घुमा फिरा कर आड़ा तेड़ा कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है जी फ्लैट yes. मतलब ग्रेटर देन वन रिलेटिवली इलास्टिक एंड यहां पर तो बचा बाटी यहां पर भी तीन एमसीक्यूज पॉसिबल है और यहां पर भी तीन एमसीक्यूज पॉसिबल है मतलब यहां पर करीबन आपको पंद्रह एम आ सकते हैं ठीक है सिर्फ फोर्थ एंड फाइव में ग्रेटर देन वन देन हमेशा कंफ्यूज हो जाती हो लेकिन बेटा अभी कंफ्यूज मत होना अभी एक बार अच्छे से देखना मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बेसिक बेसिक में गड़बड़ होती है बेसिक मतलब क्या इसको ग्रेटर देन वन कहते ये पता नहीं होता है और इसको लेस देन वन कहते पता नहीं होता है पहले तो बेटा ये 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 वाला कंफ्यूजन पूरा कर दो ठीक है कन्फ्यूजन खत्म कर दो फिर सारा इजी रहेगा ठीक है यस आई होप दैट यू हैव ड्रॉन दिस आई होप दैट आप लोगों ने कर लिया होगा ठीक है कॉल इट एवरीवन चलो ग्रेट अमेजिंग आगे बढ़ सकते हैं मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए एमसीक्यू की बारिश हो चुकी है कृपया ध्यान दें मौसम अभी बिगड़ने वाला है क्योंकि बारिश हो चुकी है, है दुबई में कितना बारिश हुआ है, है ना बारिश। बारिश तो एक बिल्डिंग पानी में गई छपैक एयरपोर्ट पानी में गया छपैक गाड़िया पानी में गई छपैक लोग पानी में गए छपैक सब लोग छपे छपे छपाक हो गए दुबई में बहुत खतरनाक हालत है यार ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए किसी की भी क्योंकि वहां पर पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो गया कितनी सारी चीजें खत्म हो गई खराब हो गई ठीक है ऐसे नहीं होना चाहिए सेवेंटी फाइव ईयर्स में जितनी बारिश नहीं गिरी ना उतना बारिश उनका ये सेवेंटी फाइव ईयर्स के बाद ऐसा बारिश चलिए तो ऐसा है तो क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम आई कैन से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है भाई क्लाइमेट चेंज इस तरीके से इस सीजन में इतनी बारिश की फ्लड आ गया इतना नुकसान हो गया तो बहुत ही डेंजर है भाई ठीक है चलिए सो so, मुझे आपको कुछ बताना है अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है एक सेकेंड A minute. Oh, my God, this is not what I want. Okay. Yes, here we go. Here we go. Yamara demand curve. और ये हमारा सप्लाई कर्फ है ठीक है जी डिमांड कर्फ एंड सप्लाई कर्फ सूरत में भी बारिश सूरत में हुई है बारिश ओके और अभी यहां पर एमसीक्यू की बारिश ठीक है तो आप देखिए बेटा यहां पर हमें क्या देखना है इंपैक्ट ऑन द प्राइस देखना है इंपैक्ट ऑन द Price. ये जो ग्राफ है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस तो प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है तो बेसिकली प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से जिसको हम लोग मार्केट फोर्सेस भी कहते हैं तो जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिल जाते हैं तो वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हम लोग यहां पर कुछ इस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं प्राइस कहते हैं और यहां पर हम क्या कहते हैं क्वांटिटी कहते हैं तो मेरा यहां पर प्राइस डिटरमिनेशन हो गया ये है हमारा प्राइस पी और ये होगी हमारी क्वांटिटी लेटर से क्यू ठीक है लेकिन मुझे आपसे कहना है और कुछ चीज ये तो डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस हम लोगों ने देख लिया लेकिन मुझे जानना है इंपैक्ट ऑन द प्राइस कब व्हेन योर डिमांड इज मोर देन सप्लाई व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द प्राइस व्हेन योर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एंड व्हेन योर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तब क्या होता है अब मैं इसको क्या कर देता हूं हाईलाइट कर देता हूं मतलब लेटेस्ट से ये वाला पोर्शन जो है अब ये जो पोर्शन है हमारा हम लोग क्या इस वाले पोर्शन में ये कह सकते हैं कि देखो मेरी ब्लू लाइन बड़ी है मेरी रेड लाइन नीचे है तो कैन आई देन सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर एरिया द आंसर इज यस क्या मैं इस एरिया को यह कह सकता हूं एक सेकेंड क्या मैं इस एरिया को यह कह सकता हूं कि माय माय सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड द आंसर इज यस क्योंकि सप्लाई की लाइन ऊपर है, डिमांड की लाइन नीचे है सो so, अब देखना यहां पर इंपैक्ट ऑन द प्राइस क्या होगा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हमारे पुष्पा भाऊ की मूवी लग गई थिएटर में तो लोग क्रेजी पीपल आर रेडी टू टू गो गो इन द द मूवी है ना मूवीज लेकिन वहां पर उतनी सीट्स नहीं है तो क्या होगा डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो व्हाट विल हैपन जब पुष्पा की मूवी लगेगी तो अचानक से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे शूट अप हो जाएंगे उसका मतलब क्या है डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस तो यहां पर होगा प्राइस इंक्रीज प्राइस इंक्रीज होगा जब तुषार कपूर की मूवी लगती है या फिर अर्जुन कपूर की मूवी लगती है तो वहां पर थिएटर खाली है थिएटर्स में अभी भी जगह बाकी है डिमांड ही नहीं है हंड्रेड कैपेसिटी का थिएटर है वहां पर दस लोग आए है बीस लोग आए हैं तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस सप्लाई इज मोर एंड द डिमांड इज लेस अभी थिएटर तो भरना चाहिए इसलिए हम लोगों ने प्राइजेस पचास रुपए पचास रुपए पचास रुपए तो क्या होगा यहां पर, यहां पर क्या होगा द प्राइजेस विल गो डाउन द प्राइजन आपको इस पर सवाल आएगा वेन डिमांड इज मोर देन दप्लाई वॉट इज द इम्पैक्ट ऑन द प्राइज वेट सप्लाई इज मोर देन द डिमांड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द प्राइज वेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वॉट इज द इम्पैक्ट ऑन द प्राइस यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है जी आर यू गेटिंग इट्स आर यू गेटिंग इट एवरी वन समझ आई बात ठीक है गॉट इट एवरी वन आई बात समझ आई बात समझ कूल अमेजिंग वेट here today. आई थिंक that सारे मेजर टॉपिक्स जो भी इसमें थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। डिमांड जितना ये बहुत ज्यादा वास्ट है नहीं सप्लाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है बहुत ही ज्यादा ईजी है और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर भी लिए हैं आई होप दैट यू द सेशन जाने से पहले लेकिन एक और चीज आपको मैं कहना चाहूंगा

मैक्रो के क्विजेस ले रहा हूं मैक्रो के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि हम लोग आईसीएआई के सारे एमसीक्यू पूरे कर रहे जहां पर मैं आपको डेली टारगेट्स भी देता हूं यहां पर आपको यहां पर क्या करना होगा बेटा डेली टारगेट्स को पूरा करना होगा जो कि हम लोग एकदम अनरिजनेबल टारगेट्स नहीं देंगे आपको बहुत ही रीजनेबल टारगेट्स देंगे और एक चैप्टर को आप तीन दिन में किसी को चार दिन में किसी को पांच दिन में ऐसा कंप्लीट करना और बहुत ही जल्द में आपकी मैक्रो के लिए यूट्यूब पर रिविजन लेना शुरू करने वाला हूं ठीक है जी सो so, साइमल्टीनियस ने अपना यहां पर माइक्रो का क्या चल रहा है रिविजन वहां पर मैक्रो के एमसीक्यू प्रैक्टिस फिर यहां पर क्या होगा यहां पर शुरू हमारा होगा मैक्रो का रिविजन फिर वहां पर माइक्रो के एमसीक्यू तो इस प्रकार हम लोग करते रहेंगे और फोड़ते रहेंगे और हमारा यहाँ पर एक हिच एक हिच एक हिच एम है कि मिनिमम एट्टी और नाइनटी का टारगेट हम लोग यहां पर लेकर जाएंगे उससे नीचे अपने को नहीं चाहिए ठीक है चलो जी ऑसम सो 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 कल प्रोडक्शन ऑन द सेम टाइम होगा जी हाँ प्रोडक्शन को प्रोबेबली दो दिन लग सकते कॉस्ट को प्रोबेबली दो दिन लग सकते हैं अस सी व्हाट हैपेंस लेकिन जाने से पहले आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके दोस्तों को कृपया बता दीजिए आज है आखिरी मौका आज है आखिरी मौका सब्सक्रिप्शन अन एकेडमी पर फ्री है आपके जूनियर्स को बताइएगा ये चांस को मिस मत कीजिएगा सीए फाउंडेशन का यह है आखिरी दिन आप लोग यहां पर संकल्प बैच को एनरोल कर सकते हो प्लस की क्लासेस देखना शुरू कर सकते हो एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर फ्री ट्रायल फॉर सेवन डेज तो फ्री ट्रायल फॉर सेवन डेज है संकल्प बैच को एनरोल कर कर सकते हो सितंबर अटेम्प्ट के लिए आपके जूनियर्स के साथ कृपया शेयर कीजिए ठीक है जी